ये देखो मैं ना मम्मा की छुपके छुपके वीडियो बना रही हूँ, वो क्या खा रही है पता नहीं। मम्मा तुम वीडियो बना रही हो? मैं बेलपत्र खा रही हूँ। आपके पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं, दुकान से निकाल नहीं सकते आप? मेरे पास है तो सही दो तीन टी शर्ट, पर नहीं क्या निकाल से? दो तीन टी शर्ट एक ही जोड़ी कपड़े पहन रखती हो रोज? जाना तो है नहीं कहीं, सबको देती हो, खुद तो पहनती नहीं हो। सबको दे देती हूँ लेकिन निकालती नहीं हूँ मैं अपने लिए। क्यों? अपनी दुकान से नहीं निकालती, पागल लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा दूसरों को देने में? हाँ दूसरों को दे दूंगी, बुआ को दे दी, मौसी को दे देती हूँ। हाँ कुम्मी मौसी को, बुआ को। अभी जाना तो है नहीं, है तो सही दो तीन टी शर्ट, घर में ही वैसे रहना। एक जोड़ी तो कपड़े हैं, तीन चार टी शर्ट है, ग्रीन वाली है, पिंक वाली है। हाँ बस इसमें कुछ नहीं छोड़ा मैंने, खा ली जितनी मुझे अच्छी लगी। वाली खा लो। नहीं ये रखी तो है, कितनी सारी देखो ये रखी हुई, दिखाओ। देखो पूरी फाइव थी, संडे को, संडे को नहीं सैटरडे को, कई दिनों से रखी है, पापा को टाइम नहीं मिल रहा। सैटरडे को तोड़ी थी वो खराब थी, लेकिन जो उन्होंने आज तोड़ी है ना वो वाली अच्छी थी। मीठी बहुत है लेकिन नहीं आई मेरे में, तो बीज बीज आ रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दी। पापा तो जूस बना के पीते हैं ना इसका। हाँ हमारे बस की नहीं जूस बनाना, बनाना शेक बना लेंगे, लेकिन इसकी मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से, थोड़ी सी खा लो अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है। पापा बोल रहे थे कह रहे ये फायदा करती है, मैंने कहा चलो ठीक है फायदा करती है तो खा लेते हैं। इससे पेट में ठंडक मिलती है कह रहे थे, जूस से खाने से मतलब ठंडक मिले या गर्माई मिले? गर्माई मिलेगी तो पेट फट जाएगा, गर्मी में तो गर्मी के लिए तो होती है। बस गुद्दा सारा खा लिया, गुद्दा ये साइड से खा लिया ना सारा, और बीच में सीड बचे हैं तुम्हारे लिए क्या बना, तुम क्या खाओगे? बेसन की और आटे के चीले। बेसन की चीले भाई, रोज रोज चीले, तीन चार दिन पहले तो बने थे। अट्टे की भी सूजी की बनाऊंगी आज, सूजी के, सूजी के, सूजी और बेसन मिलाकर। अब तो कितनी आटा सारा मिलाकर, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा और बेसन। चलो अब रहने दो, मैंने खा लिया ये। ओके ये चीला खाओगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए चीला हमारा हो गया है तैयार, कोई नहीं यहाँ से थोड़ा सा हो गया उतारने में, और आज मैंने वो बनाए हैं टमाटर वगैरह प्याज वगैरह डाल के बनाऊंगी। प्याज टमाटर सिर्फ टमाटर डाले हैं ये अभी की में, अपने में डालूंगी हरी मिर्च प्याज। ये रखी मैं खाऊंगी। नहीं आप प्याज वाले मत खाना, मैं अपने लिए और आपके दो नहीं पर दो नहीं। टमाटर वाले कैसा लग रहा है अभी को तो दिया था मैंने, यम्मी यम्मी। अभी कैसा लग रहा है बेटा टमाटर वाला, कैसा लग रहा है? टमाटर डाल के बनाऊंगी, और मुझे एक कमेंट आ रहा था कि दिया इसमें ये डाल के बनाया करो टमाटर प्याज, तो थैंक यू बताने के लिए। ये लोग खाते नहीं थे पहले इस तरीके से। मैं सच में आया था? हाँ सच में आया था, तो अब मैंने आज सोचा चलो आज इस तरीके से बनाती हूँ, और अभी को भी पसंद आए। अभी की मैं डालूंगी प्याज, अभी तो खा लेता है, तुम्हें तो नहीं खाती हो। चलो मैं इसे रख के आती हूँ वहाँ पे, ठीक है? ठीक है जब तक ये सीख रहा है। ले रहा है ना ये? कोई भी ले लेना, ये भी कर दो तो बहुत फटाफट बन जाएंगे। अभी का नहीं आई है आप लोग ही? चलो तो आप लोग तो यहाँ पे तो हुआ है दोपहर का टाइम, और हम तीनों सो के उठे हैं, नहीं हम दोनों, और ये पढ़ रही है पीछे की तरफ बैठ के, टेबल लगाई हुई है उसने, और वही वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे सोने के बाद उठ गए हैं, और इसके बाद क्या करें, लॉकडाउन है तो सब चीज़ें बंद हैं और खाली हैं घर पे,
तो यहाँ यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, ये ने टेबल लगाई हुई है और यहाँ पर मैं अभी शुरू हो गए हैं, लूडो खेल रहे हैं। और सो के उठे थे तो बस ऐसे ही बाल वाल सब ऐसे ही खुले हुए थे, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना ही नहीं होता, तो इसलिए घर में वही लोवर टी शर्ट पहनो। तो यहाँ पर अभी के साथ लूडो हो रही है, फिर इया के साथ होगी, क्योंकि एक साथ नहीं खेलते तीनों, एक बार उसके साथ एक बार मेरे इया के साथ, तो ऐसे खेलते हैं बस। यहाँ पर हम लूडो खेलेंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे मैंगो शेक। इसके बाद ही है आपके, मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, टाइम तो 3:30 का टाइम था, तो मैंने बना दिया आज, थोड़ा जल्दी बना दिया क्योंकि हम जल्दी लेट गए थे दोपहर में और थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे। तो यहाँ पे मैंने आम छील लिए हैं, दूध वगैरह जो है सब फ्रिज में से निकाल के रख लिया है, और अभी को आम ऐसा नहीं खाना था, मैंगो शेक ही पीना था, और अभी का है ही शाम का, या तो उसे सिंपल दूध हो उसके साथ सोप्रेस हो, फिर बनाना शेक या मैंगो शेक कुछ भी हो खा लेता है वो, कुछ भी मतलब दे दो उसको वो खा लेता है। तो बस यहाँ पर मैं बनाना शेक बनाऊँगी और इसके बाद जो है मुझे जाना है कहीं। तो अब यहाँ पर मैंगो शेक तैयार हो गया है और मैंने इसको 1-2-3 बार शेक कर लिया है, मतलब ऊपर नीचे कर लिया जिससे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाए। तो बस 3 ग्लास तैयार हैं, एक मेरा, एक अभी का और एक इया का। तो इया के पापा जी तो आएंगे शाम को ही 6:30 बजे, और तो उनके लिए जब का जब देखा जाएगा, यहाँ पे तैयार हो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी? और मैं हूँ यहाँ पे अभी है, इया है। तुम दोनों ने मैंगो शेक पी लिया? पी लिया। और अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले मैंगो शेक, इया अभी ने पी लिया, मैंने भी पी लिया, उसके बाद या अभी फैन चलाऊं? नहीं, आवाज आएगी बेटा, रुक जाओ। उसके बाद मैं गई हूँ दुकान पे, किसी को देना था सामान, मैं भी गया था। हाँ, अभी भी मेरे साथ गया था, और अभी बाहर खड़े रहे थे कि कहीं पुलिस ना आ जाए। बड़ा शेर बनता रहता है, तो इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया और फिर वही टी शर्ट पहनूंगी। सूट चेंज करके गई थी दुकान पे, घर पे तो लोवर टी शर्ट में ही रहते हैं अभी, हटियो डाल। तो बस यही था, किसी का फोन था, लग गई ना, तो बस किसी का फोन आ गया था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। वैसे मैं दोपहर के टाइम कम जा रही हूँ, शाम को और सुबह को 11 बजे तक है कि थोड़ा बहुत खोल लो। तो यहाँ पे मेरी मशीन रखी हुई है, कि इस पे आ रहा था कमेंट की थी, इसमें यहाँ पे क्या रखा हुआ, यहाँ पे मशीन रखी हुई है, ये कोमल ने दी थी। तो चलानी वलानी मुझे आती नहीं है, बस मैं ले आई थी कि चलो काम आ जाएगी, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, बुटीक नहीं, दुकान ही नहीं संभल रही, बुटीक क्या करना। अब जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, जब बुटीक खोलूंगी। बुटीक भी खोलूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जब तुम लोग थोड़े से और बड़े हो जाओगे, 5th 6th 7th में आ जाओगे ना, उसके बाद जब तुम गैस ऑन करना ऑफ करना सीख लोगे। मुझे आता है। आता है, अभी नहीं, उसके बाद करूंगी, अभी बुटीक नहीं करूंगी। लेकिन मैं लेके इसी वजह से आई थी इसको, मशीन को, कि छुट्टी वाले दिन किसी टेलर को पकड़ के, मतलब टेलर को बैठा के उससे स्टिच वगैरह कराऊं कपड़े। लेकिन अब क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए रखी हुई है बेचारी। अब इसका एक बार भी हमने नहीं चलाई, बस लगा के रख दी, इसमें हमारे लड्डू बैठे रहते हैं, सामान वगैरह रखा रहता है थोड़ा बहुत। और अभी मैं आई हूँ तो गर्मी लग रही है, क्योंकि वहाँ गर्मी लगती है दुकान पे थोड़ी सी, सब सामान भरा हुआ है, ऐसे उल्टा पुल्टा डला हुआ है। सामान देना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि कस्टमर था, तो इसलिए दे आई। और अभी को साथ लेके गई थी, है ना अभी? हाँ, अभी लेके जाती हूँ। अभी बाहर खड़े थे और मैं अंदर थी, अभी को बताना था कि कौन आ रहा है। फिर पापा आ गए एकदम, फिर वो तो परसों आए थे। हाँ, मुझे नहीं लेके गए। आपको भी लेके चलूंगी, आप डर जाती हो ना, इसलिए नहीं गई। और तो बस लॉकडाउन में यही हो रहा है ना, तो सही से मतलब ये हो रहा कि कहीं जाना हो बाहर
तो पहन लो सही से कपड़े वगैरह, घर में तो वही लोवर टी शर्ट पहन, तो जाना ही नहीं हो रहा, और दुकान पे भी जाना हो रहा तो परमानेंट नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए जाओ और फिर आ जाओ। फैन चला रहे हो, ऑन कर लो, टीवी मत चलाना, लेकिन अभी ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो, अभी पिटाई कर दूंगी, नहीं ऑफ कर दो, और फोन रखो, ये चार्जिंग नहीं है इस पापा वाले फोन में, अभी गंदी बात ना, तो बस यही हो रहा है लॉकडाउन में, खाना पीना ट्रेन की डब्बे की तरह हो रहा है कि खाओ पियो और फिर आके बेड पे बैठ जाओ, काम करो फिर खाना बनाओ खाओ और फिर लेट जाओ सो जाओ, टीवी देख लो, लूडो देख, लूडो में लग रहे हैं, फोन में लग रहे हैं, पता नहीं अब कब तक खुलेगा गोरी, देखेगी वीडियो गोरी, हाँ देखती है 10-15 मिनट के लिए गई, 10-15 मिनट में भी बाहर बहुत गर्मी हो रही है, अभी फोन रखो पता ही नहीं चलता, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, वैसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि दुकान के टाइम इनकी फ़ोन की वजह से नहीं, इनकी स्कूल की वजह से नहीं मिलता वीडियो बनाने की, क्योंकि 7:50 पे क्लास शुरू हो जाती है, वही वीडियो बनाने का टाइम होता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती कि पहले इनकी क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी वजह से। और ये देखो कितनी खुश हो रही है, बाल ठीक करो, छोटी बनाऊंगी फिर आपकी, छोटी तो बड़ी हुई है, बस थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, वीडियो मैं सबकी देखती हूँ थोड़ी थोड़ी स्किप करके, जैसे टाइम मिल जाता है उसी हिसाब से, ये मेरे क्लच लेके आओ, गर्मी लग रही है, और यूट्यूब पे आजकल बड़ी 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 हेल्प हो रही है सबकी, जिस यूट्यूबर ने जिस यूट्यूबर को चलाया उसी उसका चैनल तो डाउन हो गया, लेकिन वो आजकल बड़ी हेल्प कर रही है सबकी, और जिसने हेल्प की उस बंदे की, और वो उसकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, अगर मेरी वो वीडियो देखती होंगी, देख रही होंगी या देखेंगी तो समझ जाएंगी मैं किसको बोल रही हूँ, बट चलो कोई नहीं, कोमल ने जिसका चलाया सबका अच्छे से चले भला हो, बट कोमल का इस टाइम पे अच्छा नहीं चल रहा है, और रही मेरी बात तो मेरा तो चले ना चले कोई नहीं, मैं तो अपना ये रहेगा कि हमारे हम बाद में देख सकते हैं, ये लो ये रखो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देख लेंगे कि हाँ हम उस टाइम पे ऐसे थे, तो इसलिए। लेकिन कोमल बेचारी बहुत मेहनत करती है, उसका बिल्कुल नहीं चल रहा है इस टाइम पे, बहुत कम चल रहा है, और उसका चैनल जब से डाउन है जब से उसने उस यूट्यूबर की हेल्प की है, मैं वो तो बोलती कि अरे नहीं तू मत बोला कर, कोई बात नहीं जिसकी जो किस्मत में होगा, लेकिन फिर भी वो बंदी उसको एक बार भी मुड़ के नहीं देखती कि वो उसकी मैं हेल्प करूँ, मेरी वजह से उसका चैनल चला है, लेकिन और लोगों की बहुत हेल्प हो रही है, बहुत गिफ्ट भेजे जा रहे हैं, हमें उस चीज़ की कोई जेलस नहीं है कि वो उसके लिए गिफ्ट भेजे ना भेजे कोई नहीं, लेकिन बट चला वो उसकी वजह से, चली वो उसकी वजह से, उसने उस बंदी की हेल्प नहीं की, चलो कोई बात नहीं, या मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है, जब हमारा मतलब होता है तो हम उस बंदे से बात करते हैं, जब हमारा मतलब ख़त्म हो जाता है तो हम उस बंदे को छोड़ देते हैं, तो यही हुआ है कोमल के साथ, बंद करो इसको चार्जिंग पे लगाओ, तो चलो भाई बाय 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 बाय।